ओम शांति। 15 जनवरी, साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम अपने को संकमयुगी ब्राह्मण समझो तो सतयुगी झाड़ देखने में आएंगे और अपार खुशी में रहेंगे। प्रश्न, जो ज्ञान के शौकीन बच्चे हैं, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वे आपस में ज्ञान की ही बातें करेंगे, कभी परचिंतन नहीं करेंगे, एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करेंगे। प्रश्न, इस सृष्टि ड्रामा का कौन सा राज तुम बच्चे ही समझते हो? उत्तर, इस सृष्टि में कोई भी चीज सदा कायम नहीं है, सिवाय एक शिव बाबा के। पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए, यह भी ड्रामा का राज तुम बच्चे ही समझते हो। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, एकांत में ज्ञान का मनन चिंतन करना है, याद की यात्रा में रह माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। दूसरी पॉइंट, किसी को भी ज्ञान सुनाते समय बुद्धि में रहे कि हम आत्मा भाई को ज्ञान देते हैं, नाम रूप देह सब भूल जाए, पावन बनने की प्रतिज्ञा कर, पावन बन पावन दुनिया का मालिक बनना है। वरदान, सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन रहने वाले माया प्रूफ भव। विस्तार, जो बच्चे सदा बाप के प्यार में लवलीन रहते हैं, उन्हें माया आकर्षित नहीं कर सकती। जैसे वाटरप्रूफ कपड़ा होता है तो पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती, ऐसे जो लगन में लवलीन रहते हैं वह माया प्रूफ बन जाते हैं। माया का कोई भी वार नहीं कर सकता, क्योंकि बाप का प्यार अविनाशी और निस्वार्थ है। इसके जो अनुभवी बन गए वह अल्पकाल के प्यार में फंस नहीं सकते। एक बाप दूसरा मैं, उसके बीच में तीसरा कोई आ नहीं सकता। स्लोगन, न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाला ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता है। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए विशेष होमवर्क, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए सदा याद रहे कि समस्याओं को दूर भगाना है, संपूर्णता को समीप लाना है। इसके लिए किसी भी ईश्वरीय मर्यादा में बेपरवाह नहीं बनना, आसुरी मर्यादा व माया से बेपरवाह बनना, समस्या का सामना करना तो समस्या समाप्त हो जाएगी। ओम शांति।